गुणाला सेवाई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणाला सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता वाला सगावाई कमलेश जी जी नमस्कार। उषा किरण आतराम जी आपका भी हार्दिक नमस्कार। नुल मलंग अम कुमृदुंग सुरुमग आकुम ना नरु अम गो तुम्बम रिबा लीली नुनम कुमृदुना गो अरुणाचल होक नुनम नरु अम गो दोनी पोलो ग आया कोलो ग नुनम गो कुमृद तकना। तो आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि आज मोतीराम रावण कंगाली जी जो समाज सेवी थे, गोंडवाना दर्शन के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, संस्थापक थे, उनके जो आज पांचवी पुण्यतिथि है, तो उनको मैं अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही दो दिन पहले ही हम लोगों ने जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व विधायक रहे हैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उनको खोया है, तो उनको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही मैं याद करती हूँ गोंडवाना दर्शन पत्रिका के संस्थापक स्वर्गीय सुमेर सिंह ताराम जी का, उनको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही मैं अपने जितने भी हमारे अपने जो बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं है, उनको सबको भी याद करके आज के इस कार्यक्रम की वार्ता की शुरुआत करती हूँ। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप सभी को पता है, हमारे यहाँ के बारे में यह बहुत ही प्रसिद्ध है, कहा है कि पर्वतराज हिमालय सुत सशोभित अरुणाचल है, स्नात सूर्य किरण से प्रहत उसका तन निर्मल है, निश्चल सरल सपूत यहाँ के राष्ट्रभक्ति करें उसका ऐसा अंचल है जिसा, जी हाँ, ऐसे ही खूबसूरत राज्य जहाँ के लोग निश्चल सरल भारत माता के निश्चल सरल सपूत हैं, जिनकी राष्ट्रभक्ति अविचल है और भारत माता गर्व करे, हमारे अरुणाचल प्रदेश का ऐसा ही अंचल है। ऐसे राज्य से मैं तुम्बम रिबा लीली आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नुनम नारुम आकुम नमो हरुम कुमृत दगना पाया लिंचो दोनी पोलो आया लाका। तो इस कार्यक्रम से मैं किस तरह से जुड़ी, तो मुझे अचानक उषा किरण आतराम जी का जो इस कार्यक्रम की जो गोंडवाना पत्रिका दर्शन की जो मुख्य है, उनसे मुझे एक फ़ोन आए, तो मुझे बहुत ही हैरत हुई कि अपने राज्य में ही मैं यहाँ तक सीमित हूँ मुझे लगा था, लेकिन इतने दूर से मुझे फ़ोन आए तो मुझे बहुत बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि इतने दूर के लोग किस तरह से मुझे जानते हैं। मुझे लगा कि ज़रूर किसी और को कॉल करना था और मिस कॉल गलती से कॉल मुझसे जुड़ गया। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मुझे उन्होंने जिस तरह से मुझे प्रेम से मुझसे वार्तालाप की, मैं तो दंग रह गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मैं साक्षात मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इस कोरोना काल के बाद जब मामला सुलझ जाएगा, स्थिति संभल जाएंगी, तो मैं ज़रूर आऊँगी उषा किरण आतराम जी आपसे मिलने। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ आपके प्रति, मैं आभार व्यक्त करती हूँ उषा किरण आतराम जी आपका। साथ ही शताली शेड माके जी आपका भी मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। बिच्छू वड्डे जी जिनका जब तब फ़ोन पे संपर्क होता है हमारा, और नंद किशोर नेताम जी, कमलेश गोंड जी, रमेश कासा, प्रवीण मंडावी, रमेश कोरसा जी, और गोंडवाना दर्शन पत्रिका के जितने भी पूरी टीम है, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने इस काबिल समझा, आपके इस कार्यक्रम जो पूरी राष्ट्र स्तर की जो ये बहुत सुंदर मंच जो आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपके आजीवन आभारी रहूँगी। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आपने इस तरह से आपके कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आमंत्रित किया।
आपने जो मुझे विषय दिया उस पर गालो अपने अरुणाचल प्रदेश की जो गालो संस्कृति की संस्कृति के बारे में जो परिचर्चा के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया है, तो मैं अपने गालो संस्कृति के बारे में आपको बताना चाहूँगी। गालो में मुझे बहुत गर्व होता है अपने नाम पर, तुम्बम रीबा। कई लोग इस नाम को मर्दाना नाम समझते हैं, लेकिन ये जो है मेरा नाम है, मुझे विरासत में मिली है, तो मुझे बहुत गर्व है इस नाम पर, तुम्बम रीबा। इस नाम के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी जो नाम पड़ी हुई है, हमारे गालो संस्कृति में जितने भी लोग हैं उनका नाम यूं ही नहीं पड़ा है। हम लोग अपने नाम में अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को अपने साथ ले चलते हैं। हमारे जो नामकरण की जो अनोखी परंपरा है, ये शायद दुनिया में और किसी के पास इस तरह की, किसी जनजातीय समाज में इस तरह की संस्कृति शायद नहीं होंगे, नामकरण की परंपरा। मैंने इससे पहले भी जो एक और कार्यक्रम में आप लोगों से, कुछ लोग उसमें शरीक थे, शायद आप लोगों ने सुना होगा साहित्य लाइव में, तो वहाँ पर भी मैंने अपने नामकरण की परंपरा पर, इस संस्कृति पर मैंने चर्चा की थी। तो अभी भी मैं, कुछ लोग उस समय नहीं सुने होंगे, कई लोग, तो आप सभी को मैं फिर से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गर्व है अपनी इस संस्कृति पे, हमारे जो नामकरण की संस्कृति। तो मेरा नाम किस तरह से तुम्बम रीबा पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हमारे सारे पुरखों की कहानी है, तो उस कहानी को मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूँगी। तो हमारी जो मान्यता है अरुणाचल प्रदेश के, हमारे गालो जनजातियों की, हमारी मान्यता है कि सृष्टि का जो शुरुआत हुई थी शुरू में, तो सृष्टि का जब शुरुआत हुई थी, प्रकृति का किस तरह से शुरुआत हुई इस धरती पर, उसकी कथा के साथ हमारे नाम जो जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गिनते हैं जब अपने नामकरण के नाम के बारे में, तो हम लोग इस तरह से गिनते हैं। सबसे पहले इस धरती पर आए, शुरुआत की जो बात है, हिच, सिचे के बाद चियो, चियो के बाद ओबुक, ओबुक के बाद बुकसिन। मतलब शुरुआत में छोटे से एक कण से, धूल के एक कण, उस कण में जब पानी, तो हल्का से बारिश पड़ी, उस कण में जब सूर्य की रोशनी पड़ी, तो उसमें से अंकुर फूटे, अंकुर फूटे तो पौधे निकले, पौधे निकले तो सृष्टि की यहाँ पर शुरुआत हुई, और उस तरह से इंसान का जन्म हुआ, और हमारे अबोतानी जो आदि मानव थे उनका सबसे पहले जन्म हुआ, वो सबसे पहले इंसान थे, ऐसे माने जाते हैं। तो वो क्रम इस तरह से गिने जाते हैं, हिच, चीहो, ओबुक, बुक सिन, सिंतु, तुर, ऋण। ऋण जो है, जिसे अबोतानी भी कहते हैं, अबोतानी, और उनके साथ उनके भाई थे अबोतानी और तारो। अबोतानी के बारे में मैंने अपनी पुस्तक कातम में शुरुआत की ही कहानी जो है, अबोतानी और मोपिन, उसमें अबोतानी के बारे में कई सारी कहानियाँ हैं। उसके बाद रिने के बाद आए रिने से, तानी से, नीतो। हमारे जो नाम पढ़ते हैं, जो हमारे नाम जो है, अपने पिताजी के नाम के अंतिम जो दो या तीन वर्णों को, अक्षरों को लेकर के ही हमारे नाम की शुरुआत होती है। ऋण, ऋण से, तानी से, तो नी से निकले, तानी के अंत में जो नी है उससे निकले नीतो, नीतो से निकले तोपो, तोपो के बेटे हुए पोन, पोन के बेटे हुए नऊर, नऊर से निकले उर्ची, उर्ची से निकले चिकार, चिकार के कई भाई थे कारको, कोर, कोग, कोकार, कोई, कोमो। तो कहा जाता है कारको से कोर, कारको से कोर निकले, और कोर फिर, कोरे के भाई थे कोगे, कोगे के भाई कोकार, कोकार से कोई, कोई से माना जाता है कि जो पासीघाट इलाके में जो पूर्वी सियांग है, वहाँ में कोई से इरिंग निकले, इरिंग अभी भी है, और इरिंग जनजाति को, इरिंग जिनके भी टाइटल है उनसे, हम लोगों के रिबा बासर जितने भी हमारे जो वंशज है, हमारे जो क्लैन है, उनकी शादी नहीं होती, हम लोग आपस में भाई बहन मानते हैं। उसके बाद कोमो हुए, कहा जाता है कि एक और भाई थे कोपर नाम के, जिससे परतिम परमे निकले, तो ये परतिम परमे को भी हम लोग अपने भाई,
अपने भाई दादा मानते हैं, उनसे हम लोगों की भी शादी नहीं होती। तो कारको के बाद आए कोरे, कोरे से आए रीबा। मैं रीबा हूँ, अपना नाम में तुम्बम रीबा लिखती हूँ। तो रीबा आए, रीबा से फिर रीबा के बेटे हुए बाके, बाके से केचा, केचा से चाने निकले, चाने से नीरो, नीरो से रोग, रोग से गतु, गतु से तुमार, तुमार से मार्तो, मार्मिक दो भाई हुए, मार्मिक की मैं संतान हूँ, मार्मिक से निकले मिक्कर, मिक्कर से कारग, कारग से गन्या, गन्या से न्यातुम मेरे पापा, और न्यातुम से निकले तुमग मेरे भैया, तुम भी मेरी बड़ी बहन दीदी, तुम्बम में और तुमतर हम लोग निकले। और हमारे जो भैया है तुमग के बेटे का नाम फिर गमर, गमर से निकले गजुम, गजुम से निकले फिर फिर गमर, गमर और गजुम भाई, गजुम से निकले फिर जुमतुम। तो इस तरह से हमारी जो पुरखी चली आ रही है, तो हमारे पुरखों के नाम के जो अंतिम जो दो या तीन अक्षर को लेकर के हम लोगों के नाम पढ़ते पढ़ते मेरा नाम तुम्बम पड़ा। तो ये हमारी एक बहुत ही अनोखी संस्कृति है। तो हम लोग अपने नाम में अपने साथ हम लोग अपने पूर्वजों को भी ले साथ लेके चलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई गलत करने जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें वो अपने पुरखों को याद करते हैं कि अगर मैं कुछ गलत करूंगी, गलत रास्ते पे जाऊंगी तो मेरे पुरखे नाराज़ हो जाएंगे, मेरे पुरखों का नाम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसी चिंता में हमारे यहाँ पे जो अपराध भावना, अपराध बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम लोगों के नाम इस तरह से जुड़े हुए हैं कि कोई भी बुजुर्ग अगर मेरा नाम सुनते हैं तुम्बम रीबा, तो वो सीधे सीधे बताएंगे मेरे पिताजी का नाम। तो इस तरह से हमारी संस्कृति चलती है। तो हमारे समाज में जो है, आगे मैं बताना चाहूँगी कि हमारा समाज आजकल जो ये ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में लोगों में बदलाव आने लगी है। आज के ज़माने में क्या होता है कि पहले होता था कि तोमार के बेटे मार्तो, मार्मिक, मिक्कर इस तरह से होते थे। और नामों का क्रम भी कुछ इस तरह से होता है कि अगर सबसे बड़ा हो तो उसे अबु, जैसे मेरी दीदी का नाम, हम लोग पापा के नाम न्यातुम, न्यातुम से दीदी तुम्ब, तुम्ब का मतलब अबु, अबु मतलब वो सबसे बड़ी है, तो जो सबसे बड़ी है वो अबु। और उसके बाद बीच वाले का नाम ज़्यादातर आबम या तुम्बम होते हैं, और जो सबसे छोटे होते हैं वो यातर, तुमतर, मतलब यातर का अर्थ होता है कि अब और नहीं, हो गया, बस काफ़ी है। तो इस तरह से नामों की जो हमारे नामकरण की जो पीछे भी बहुत बड़ी वैज्ञानिक तौर पर हम लोग इस तरह से हम लोगों का नामकरण होता है। और अगर मैं कहूँ कि आजकल के ज़माने में लोग जो है इस तरह पिता के नाम के साथ बेटे का नाम तो रखते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी बदलाव आने लगी है। तो मुझे तो डर है कि कहीं इन बदलावों के चलते हम लोग अपनी संस्कृति को न भुला दें, क्योंकि आज के ज़माने में तोमार के बेटे मार्ग, मार्ब कहलाना पसंद नहीं करते। कहीं कहीं हमने देखा है कुछ लोग तोमार के बेटे हैं तो अपने नाम को जो पश्चिमी सभ्यता से उन लोग प्रभावित होकर खुद को तोमार के बेटे हैं, तो पिताजी ने मार तो रख दिया लेकिन वो खुद को मार्को नहीं कहलाना पसंद करते हैं। और लड़कियां जो है खुद को मार्ब कहलाना पसंद नहीं करती, मार्तर, मार्बम कहलाना पसंद नहीं करती। कई बार हमने क्या देखा है कि वो अपने नाम मार्निशा रखने लगी है। तो ये मार्कोनी, मार्निशा हमारी संस्कृति में इस तरह के नाम नहीं होते, लेकिन लोग जब इस तरह से आज की जो नई नवीन पीढ़ी है, शायद उन्हें कुछ जो वेस्टर्न कल्चर है उनसे प्रभावित होकर वो अपना नामकरण कुछ इस तरह से करने लगे हैं, तो मुझे इसमें से थोड़ा सा डर है इसमें भी कि कहीं हम लोग अपनी जो ये अनोखी परंपरा है हमारी नामकरण की, इसे न खो दें। इसीलिए अगर हमारे अरुणाचल प्रदेश के कोई दर्शक देख रहे हैं हमारे गालो संस्कृति के, तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने माता पिता, अपने बाप दादा ने जो जिस संस्कृति को कायम रखते हुए हम लोगों का नामकरण की जो संस्कृति रखी हुई है उसे बदले नहीं, उसे वैसे ही रहने दें, क्योंकि उसमें जो खूबसूरती है, हमारी अपनी जो मौलिकतापन है, वो और कहीं नहीं है। संसार के किसी भी जनजाति में शायद इस तरह के नामकरण की परंपरा नहीं है।
तो अगर हमारी संस्कृति में अगर मैं बात करूँ तो हमारे समाज के बारे में अगर मैं कहना चाहूँगी तो हमारे समाज में एक ज़माना था जब घरों में ताले नहीं लगते थे, घरों में दरवाजे पे ताले नहीं लगते थे, लोग एक दूसरे को की बहुत मदद करते थे। गाँव में अभी भी वैसे ही है, अभी भी आप यहाँ जब आएंगे तो गाँव में आप देखेंगे घरों में ताले नहीं लगते। ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे यहाँ की। और श्रम का बहुत ही महत्व है, श्रम परिश्रमी है हमारे लोग, बहुत ही परिश्रमी होते हैं वे लोग। अपनी हर चीज़ें, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत की हर चीज़ें खुद ही बनाते हैं, घर की रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर के, जैसे कि ये आप टोकरी देख रहे हैं, ये सब टोकरी भी हमारे यहाँ के जो गांव के लोग खुद ही बनाते हैं, ये उन्होंने अपने हाथों से ही बनाए हैं। और इस तरह से खाने के लिए जो थाली होती है वो भी खुद ही बनाते हैं, और पहनने के लिए वस्त्र भी खुद ही बनाते हैं। मैंने जो पहन रखी है इसे हम लोग गल और ललित कहते हैं, ये भी हम लोगों के हथकरघे पे औरतें खुद ही बुनती हैं। घरों में, घर घर में ये बुनाई होती है। तो आत्मनिर्भर जो आप अभी सुन रहे हैं सरकार की ओर से, हमारे यहाँ तो लोग सदियों से ही, हमारे आदिवासी लोग सदियों से आत्मनिर्भर हैं। खेतों में अन्न उगाते हैं, हर तरह के अनाज उगाते हैं, सब्जियाँ खुद ही उगाते हैं, अपने पहनने के कपड़े खुद ही बुनते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत की हर चीज़ें खुद ही बुनते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो आत्मनिर्भर तो हम लोग पहले से ही है, हम आदिवासियों की यह खासियत है, हम अपनी इस खासियत को न भूलें। अब समय के साथ क्या होता जा रहा है कि आजकल के युवा पीढ़ी ये सब बुनना, बुनाई बनाना ये सब उन लोग सीखे नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग जानते थे, कई लोग तो गुजर गए हैं, तो वो बहुत रहा सहा कुछ लोग हैं जो अभी भी बैठने के लिए मोढ़े बनाते हैं और इस तरह की टोकरी बनाते हैं। तो मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की कि हमारी आदिवासी जो परंपरा, जो हमारी कला है उसे कायम रखे हुए हैं। मुझे गर्व होता है यह देख करके। और मैं क्या कहूँ कि हमारे यहाँ जब गाँव में जब मकान बनाते हैं लोग, तो मकान बनाने के लिए वे लोग मजदूर नहीं लाते, बाहर से लोगों को बुलाने की, मजदूर बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करते हैं। घर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, लकड़ियाँ, बांस, पत्ते, है ना, टोकोपात होते हैं, और बांस और बम्बू ये सब जो है, और लकड़ियाँ, शहतीर, ये सब हर कोई मिलजुल करके जंगल से लेकर आते हैं, लेकर आकर के फिर घर बनाते हैं। और जब घर बनाते हैं तो मर्दों का काम होता है घर बनाते समय उसमें मदद करें एक दूसरे की, और औरतें क्या करती है कि अपने अपने घरों से खाने पीने की चीज़ें लाएंगे, और मेज़बान वाले घर भी अपनी तरफ से कुछ जानवर की बलि देंगे और खाने पीने की चीज़ें बना करके औरतें जो हैं, जो मर्द लोग जो घर बनाने में काम करते हैं उनकी मदद करते हैं। तो ये श्रम का महत्व हमारे आदिवासी लोगों में बहुत पहले से है और अब भी है। अभी भी आप गांव में जाएंगे तो लोग एक दूसरे के घर बनाने के लिए रात को एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि कल उनका घर बनाना है, आना। तो हर कोई एक दूसरे की मदद करते हुए घर को बनाते हैं, श्रम करते हैं, श्रम करते हुए वो लोग श्रम गीत भी गाते हैं। एक गीत है, हो दलो दलो र दलो हो दलो, इस तरह से उन लोग गाते हैं कि उनके शरीर में स्फूर्ति, ताजगी जागने लगती है। ये बहुत खूबसूरत गीत है, हमारे बुजुर्ग लोग गाते आए हैं, और आजकल भी गांव में लोग इस तरह से गाते हुए घरों की मरम्मत करते हैं, घर बनाते हैं। और खेतों में भी जब काम ज़्यादा होता है तो औरतें काम आपस में बांटती हैं, आज कोई मेरे खेतों में आकर के काम करेंगे, कल मैं भी आपके खेत में जाकर काम करेंगे। ये जो है खूबी हमारे आदिवासी घरों, आदिवासियों में ही है इस तरह की। और मैं क्या कहूँ कि हम लोग प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति को बहुत प्रेम करते हैं, प्रकृति को पूजते हैं। हमारे लिए भगवान कोई एक जगह नहीं है, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च गुरुद्वारे में नहीं है, हमारा भगवान हर जगह है, प्रकृति के हर एक चीज़ों में, कण कण में छिपा है भगवान हम लोगों के लिए। तो हम लोग जो हैं हर चीज़ को ही हम लोग भगवान मानते हैं, और सबसे बड़ा भगवान तो हम लोगों के लिए प्रकृति है।
हम लोग दोनी पोलों को मानते हैं। दोनी का अर्थ होता है सूरज और पोलों का अर्थ होता है चांद। लेकिन सूरज को आप लोग मैंने साहित्य में पढ़ा है, सूरज को पुलिंग रूप में मानते हैं, मर्द मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरज को हम लोग माता मानते हैं, आनादोनी कहते हैं, आबो पोलो कहते हैं। चांद हमारे लिए पिता है और सूरज हमारी माता है। तो हम लोग दोनी पोलो को मानते हैं, हम लोग उसको पूजते हैं, लेकिन हम लोग कर्म कांड को नहीं मानते। मूर्ति पूजन हम लोगों में नहीं होती, हम लोग बस प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति को प्रेम करते हैं, प्रकृति को पूजते हैं। पूजने का अर्थ भी हम लोगों का अलग है, कर्म कांड हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग जो है अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बचपन से ही कई तरह की कहावतें सुना करके उन्हें नीति की शिक्षा देते हैं, आदर्श और नैतिक शिक्षा देते हैं। तो जैसे कि अगर कर सेवा तो खा मेवा कहना हो तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, पिंज लाना लाजोगो खेप लाना लाजोगो। मतलब जो भी कुछ मेहनत के काम करता है तो उनको फल जरूर मिलता है। इस तरह से फिर कहावत है रोकपो पुकेन कोंगनामा, रोकपो पुकेन कोंगनामा बानम को गुलारुमा, कीबो दोरकेन पुनामा पुयम पुपेन लारुमा। मतलब एकता में शक्ति है। अकेले, कहावत है ना हिंदी में कि अकेले चना भार नहीं हो सकता, उसी तरह से एकता में शक्ति है। यही कहावत हमारे जो नीति के शिक्षा देते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे युवाओं को इस तरह से समझाते हैं और कहते हैं कि मेहनत कठिन श्रम करके आज तक कोई मरा नहीं है, बल्कि कठिन श्रम करके ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसे हमारी बोली में, गालों में क्या कहते हैं, बे ओखिमा ओमे कपकहिमा। बेओ का अर्थ होता है बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा पेड़ पर से गिरकर कभी नहीं मरता, और छोटा शिशु जो है ज़्यादा रो रो कर नहीं मरता। उसी तरह से हमारे बुजुर्गों का कहना है कि आप जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने शरीर को तपाएंगे, उतना आपको सफलता मिलेंगी। वैसे भी कहावत है ना, सोना भी तो आग में जल करके, अग्नि में तप करके ही कुंदन बनते हैं। उसी तरह से हमारी भी कहावत है बे ओ खीमा ओ मे कप खीमा। उसी तरह फिर एक और कहावत है अनगदोयम यदुक मुलोलो ताबोलो ताबोयो का आबोग लुमाम याक हिरोलो ताबोयो का। मतलब हमेशा माता पिता का कहना मानो, माता पिता ने जो आपको सीख दी, जो आदर्श सिखाए हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपनी गांठ बांध लो, क्योंकि ज़िंदगी में ये बातें आपके कभी भी बहुत काम आ सकते हैं। तो इस तरह की जो नैतिक शिक्षा हमारे बुजुर्ग बचपन से ही अपने बच्चों को बताते हैं, सुनाते हैं। और एक और है जो कहते हैं ना कि होनहार विरवान के होत चिकने पात, तो उसे हमारे कहावत गालों में क्या कहते हैं, ओइक आवरिक रोयोक ओसिक आवरिक रोयोक एक पो आवर काकमा। मतलब जिन लोगों को, जिन बच्चों को आप ऐशो आराम से पाला है, वो मेहनत करना कम जानते हैं। तो इस तरह से हमारी जो नीति की शिक्षा जो है बचपन से ही हमारे बुजुर्ग बच्चों को देते हैं, और इस पर अमल करते हुए बच्चे भी हमारे माता पिता का जो कहना जो मानते हैं, वो ज़िंदगी में सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। और इसी तरह हमारे समाज में वास्तुशास्त्र का, वास्तु का भी बहुत ही महत्व है। घर में, मकान में चढ़ने के लिए हमारे यहाँ सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं। घर के आगे की तरफ जो सीढ़ी होती है वहाँ से मर्द चढ़ते हैं, और घर के पीछे की सीढ़ी से औरतें चढ़ती हैं। और घर के अंदर जो बैठने की दिशाएं भी अलग अलग होते हैं। घर के अंदर जो बैठने की दिशाएं हैं उसमें चार दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं, बागो, न्योद, न्योस और उदो। बागो वो स्थान है जहाँ पर घर के पुरुष
और जो बाहर से जो सम्मानीय अतिथि आते हैं उन्हें बागों में ही बिठाते हैं। और इस तरह से न्योद न्योस ये सब इलाके में औरतें बैठती हैं, घर की मालकिन बैठती हैं और उर्दू ये सब में अन्य मेहमान बैठते हैं। तो वास्तु का हमारे यहाँ पर भी बहुत ही महत्व है। और अगर मैं कहते कहते हमारे यहाँ की विवाह की बात करूँ तो विवाह पद्धति जो है हमारे यहाँ अलग अलग तरह से है। एक तरह की विवाह पद्धति है जो अपनी पसंद से लड़का लड़की खुद एक दूसरे को पसंद करके बस उसमें शादी हो जाती है। और दूसरी है जिसमें माता पिता जो है आपके वहाँ के वो बाहर सभ्य समाज में जो होता है अरेंज मैरिज, उसी तरह से हमारे यहाँ भी होते हैं अरेंज मैरिज। और तीसरी जो और अब प्रचलन में नहीं है नेप निदा कहते हैं, नेप निदा जिसके बारे में मैंने अपने उपन्यास उस रात की सुबह में भी एक जगह जिक्र किया है। एक पात्र होती है उस रात की सुबह इस उपन्यास में अनन्यकम, जिनकी भी नेप निदा होते हैं। तो ये नेप निदा आज के ज़माने में प्रचलन में नहीं है, उस ज़माने में थी, बहुत पहले की बात है। जब दो लोग जिनकी समझो आपकी और हमारी बहुत अच्छी मित्रता हुई तो हम लोग आपस में तय करते हैं कि हमारे जो बच्चे होंगे उनको आपस में शादी करा देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ बेटी हो वहाँ बेटा हो, कई बार क्या होता है यहाँ बेटी हुई वहाँ भी बेटी हो गई, फिर वहाँ बेटा हुआ यहाँ भी बेटा हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार यहाँ पहले बेटी हो गई वहाँ भी बेटी हुई तो इंतज़ार करना पड़ता है कि कब बेटा हो। तो कई बार यहाँ बेटी हुई उसके बाद नहीं हुआ तो वहाँ बेटा हुआ देर से, तो उम्र का बहुत अंतर, उम्र का फासला होने के बावजूद भी माता पिता ज़बरदस्ती शादी करा देते थे। तो ये इस तरह की निदा होती थी। और ज़बरदस्ती वाली शादी में क्या होता था कि कई बार जब दुल्हन नहीं मानती थी और इस तरह से अनमेल बेमेल विवाह बहुत सारे होते थे उस ज़माने में, जब पति की उम्र बहुत ज़्यादा हो और लड़की कन्या बहुत छोटी होती थी तो उन्हें ज़बरदस्ती ब्याह दी जाती थी। तो इस तरह की शादी जो बेमेल विवाह वगैरह को लेकर के मैंने उस रात की सुबह उपन्यास में भी मेरे दो चार पात्र हैं जिसमें इस बेमेल विवाह के बारे में मैंने जिक्र किया है। तो इसमें क्या होता था कि बेमेल विवाह को लेकर के कई बार बहुत पति पत्नी का जो पति का तो कुछ नहीं लेकिन औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती थी। और कई बार हमारे समाज में ये प्रचलन अभी भी है कि बहुपत्नीवाद की समस्या है, पति जो है अपने संघर्ष के दौरान एक पत्नी ब्याहते हैं, कुछ सालों बाद वही पत्नी जिन्होंने अपने सास ससुर की देखभाल की बहू बन करके इतने वर्षों तक बच्चे पैदा किए तो कुछ वर्षों बाद पति पढ़ लिख करके, है ना, कई बार हुआ है ऐसा हमारे समाज में मैं देखती आई हूँ कि पत्नी जो है अपने सास ससुर की देखभाल करते हुए पति को पढ़ने के लिए पति भेज देते हैं, पति पढ़ने चले जाते हैं, पढ़ लिख लेने के बाद जब वो अफसर बन जाते हैं तो वापस लौट करके वो क्या करते हैं कि वही पत्नी जिन्होंने जिनकी त्याग और बलिदान के द्वारा वो उस ऊँचे मुकाम तक पहुँचे हैं, वो ऑफिसर बने हैं, वो वापस लौट करके उन्हें वही पत्नी बहुत बूढ़ी लगती है, अपने स्टेटस के अनुसार नहीं लगते, तो वो क्या करते हैं कि दूसरी पढ़ी लिखी किसी भी लड़की को ब्याह कर लाते हैं। तो ऐसे में जो पहली पत्नी होती है उनका जीना दूभर हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी समस्या को लेकर के ही उस रात की सुबह उपन्यास में मैंने लिखा है। तो कई बार ये सिर्फ नहीं है हमारे समाज में, जैसे कि पिता के नाम के साथ जो हमारे नामकरण होता है ये एक बहुत अनोखी परंपरा है, उसके बावजूद भी इससे जुड़ी एक और समस्या क्या है कि जब किसी का बेटा नहीं होता परिवार में तो लोग मानते हैं कि उनका वंश खत्म हो गया। तो वंश चलाने के नाम पर पति जो है फिर से नई शादी करते हैं, दूसरी तीसरी शादी करते हैं कि बेटा जनने वाला ही चाहिए। और ये मैं कई बार कह चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि बच्चे का बेटा बेटी होने के पीछे एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम का हाथ
वाई एक्स और वाई क्रोमोजोम की भूमिका होती है। पति के पास एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं, पत्नी के पास सिर्फ एक्स क्रोमोजोम। और जब एक्स एक्स क्रोमोजोम होता मिलते हैं भ्रूण में, तो वही बेटी बनती है। और जब एक्स और वाई क्रोमोजोम का मिलन होता है तब बेटा होता है। अगर विज्ञान का ज्ञाता है लोग तो मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे सुधारिएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग कहते हैं कि बेटा पैदा करने वाली एक पत्नी और लाना है, और इस तरह से उन्हें बहाना भी मिल जाता है और दो चार शादियाँ और रचाते हैं, तो बहुपत्नीवाद की समस्या हमारे समाज में है। लेकिन हमारे समाज की एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है। दहेज प्रथा की वजह से मैं देखती हूँ कि सभ्य समाज में लोग जब घर में बेटी पैदा होती है, पैदा क्या होना, कई लोग तो उन्हें कन्या भ्रूण हत्या करते हैं ना सभ्य समाज में। लेकिन हमारे आदिवासी समाज में ये बिल्कुल भी नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या क्या है यहाँ हमारे लोग जानते तक नहीं है। लोग बेटी के पैदा होने पर दुखी होते हैं कि किस तरह से उनकी शादी की चिंता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। दहेज प्रथा नहीं है, विवाह के समय दहेज नहीं दी जाती है हमारे यहाँ। दहेज देने का और लेने का ऐसे कोई रीत नहीं है। हाँ, लेकिन वधु मूल्य होता है जो इज्जत से प्रेम से दूल्हे वाले दुल्हन को मिथुन वधु मूल्य के रूप में देते हैं, और दुल्हन वाले भी उसे यूं ही नहीं लेते। वो उस मिथुन के जो जो रेट है, मिथुन के जो हिसाब होते हैं, उससे बढ़ चढ़ कर उन्हें आभूषण और हमारी जो पारंपरिक चीज़ें होती हैं, मालो आमेबती कहते हैं, जो हमारी पारंपरिक चीज़ें बहुत ही उसका बहुमूल्य होता है, वो उसे देते हैं उसकी जगह। तो इस तरह से हमारे यहाँ अच्छी बात ये है कि विवाह में हमारे यहाँ दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे समाज की, एकदम सकारात्मक चीज़ है। और दूसरी बात, हमारे समाज में पूरे अरुणाचल प्रदेश में मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ भिखारी नहीं होते। हमारे समाज में, आदिवासी समाज में भिखारी बिल्कुल नहीं होते। आप वहाँ से यहाँ घूमने आएंगे तब भी आपको देखकर हैरत होंगी कि भिखारी नहीं है हमारे यहाँ। जो अगर आपको भिखारी दिख भी गए तो भी वो किसी और राज्य से यहाँ फेंकी हुई, यहाँ पहुँचाई हुई भिखारी होंगे। लेकिन हमारे अरुणाचल में, हमारे समाज में, हमारे जनजातीय समाज में भिखारी बिल्कुल नहीं होती। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ समाज में, पूरे अरुणाचल में आपको ओल्ड एज होम नहीं मिलेंगे, वृद्ध आश्रम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वृद्धों को, हमारे बुजुर्गों को बड़ी इज्जत से घर में प्रेम से रखते हैं। जहाँ पर बुजुर्ग का वास होता है वहाँ पे दोनों पोलों का कृपा होती है, ऐसे हम लोग मानते हैं। हम लोग अपने बुजुर्गों को त्यागते नहीं हैं, हम लोग अपने बुजुर्गों को घर में प्रेम से रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ, क्योंकि आए दिन मैं समाचार पत्रों में देखती हूँ और किसी को नागवार गुजरे बुरा लगे। लेकिन मैंने पढ़ा है, सुना है कि किसी किसी राज्य में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने पढ़ा है और सुना है कि तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु में, तलई कूटल नाम की एक बहुत बुरी रीत है। पता नहीं, मैं शायद मैंने गलत भी पढ़ा हो, लेकिन मैंने सुना है तलई कूटल के तहत वे लोग क्या करते थे कि अपने बुजुर्गों को जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, बहुत बूढ़े हो गए किसी काम से नहीं, उन्हें जंगल में छोड़ दिए जाते थे, वहीं पे उसी हालत में छोड़ देते थे कि जाओ वहीं मरो। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लोग अपने बुजुर्गों को अपने धरोहर मानते हैं, अपने ईश्वर मानते हैं। और क्या कहूँ कि दूसरी बात तो ये है कि हाल ही में मैंने न्यूज़ में भी देखा था 8 अगस्त को कि औरंगाबाद में जब 90 वर्ष की एक बूढ़ी अम्मा को जब कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उनके परिजनों ने उन्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन ये बहुत दुखद है, दुखद बात है।
लेकिन हमारे यहाँ हमारे आदिवासी समाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अपने बुजुर्गों को प्रेम करते हैं। और जब अपनी संस्कृति की बात आती है तो मैं तो कहना चाहूँगी कि अपने त्यौहार के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को। हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार हैं कृषि से जुड़े हुए होते हैं। हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है मोपिन। ये मोपिन त्यौहार जो है बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। इस त्यौहार को किस तरह से मनाना शुरू किया आबोतानी के ज़माने में आबोतानी ने, वो भी मेरी पुस्तक काताम में, इसमें जो पहली कहानी है मोपिन, पहली कहानी ही है मोपिन। मोपिन के तहत मैंने बताया कि किस तरह से आबोतानी ने मोपिन मनाना हमारे यहाँ शुरू किया था। तो इसमें क्या होता है कि आबोतानी को खेती करना ये सब सिखाया था अनिपिंकु पिंत ने। अनिपिंकु पिंत हमारे यहाँ की देवी मानी जाती है, तो उन्होंने किस तरह से खेती करना है ये सब बताया। और आबोतानी के साथ उनका कुत्ता, कुत्ता जो है आपके भी घरों में होंगे, हमारे भी घरों में घर में है। कुत्ते जो है इंसान के सबसे बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। उस जमाने में भी आबोतानी के भी एक कुत्ता था कीपू नाम का। तो जब नदी पार करना होता था तो धान लेकर चलने से जो अनिपिंकु पिंत ने आबोतानी को दिया कि धरती पर जाकर इसी धान को उगाओ, तो वो धान जो है नदी में बह गए थे। तो क्या क्या कि अनिपिंकु पिंत ने उस कुत्ते कीपू के कानों के अंदर में धान उसमें डाल दिए और उसी धान को कानों से ले जा करके इस धरती पर आकर खेती करना शुरू किया, ऐसे मानते हैं। तो उसी वजह से आज भी कुत्ते के कान के अंदर जो है धान के जो छाप है वो निशान आज भी मौजूद है, ऐसे माना जाता है। यकीन न हो तो आप अपने घर में कुत्ते हैं तो उनके कान में झांक कर देखिए, वहाँ पे धान के इस डिज़ाइन की तरह वहाँ पर कुछ छाप आपको दिखेंगे। तो ये जो है हमारे यहाँ की कहावत है, मान्यता है। और ये मोपिन त्यौहार जो है अनिपिंकु पिंत को, उन्हें और हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन लोगों को सृष्टि के धरती पर जो सृष्टि और खेती करने के हम लोगों को जो सिखाया, तो उसको लेकर के उन्हें उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हुए मोपिन त्यौहार मनाते हैं। और इस मोपिन त्यौहार में जितने भी संसार के जितने भी लोग हैं उन लोगों को, उन लोगों की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए जो है मंगल कामना करते हुए मोपिन त्यौहार मनाते हैं। और अगर मैं साहित्यिक तौर पर कहूँ तो मेरी रचनाओं के बारे में तो मैंने थोड़ी बहुत चर्चा की ही। तो उस रात की सुबह जो है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो नारी के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा है, नारी को लेकर के ही उनकी जो जीवन में किस तरह से वो जीवन यापन करती है हमारे समाज में, उसको लेकर के मैंने उस रात की सुबह उपन्यास में लिखा है कि उपन्यास की भूमिका में ही मैंने लिखा है कि सदियों से समाज में लोगों ने नारी को कमतर वर्ग में आंका है। और हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो हिमालय क्षेत्र में के अरुणाचल प्रदेश में भी लगभग यही स्वर गूंजती है। फिर भी इतिहास गवाह है कि नारी ने इन दुर्गम पर्वतों को अपने मेहनत और लगन के बलबूते पर, अपने आशियाने का रूप देकर, अपने कोमल हाथों से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कभी जंगलों से खाद्यान्न जुटाकर तो कभी खेतों में काम करके, लेकिन जूझती हुई सदैव मुस्कुराती आई है। और उनके कोमल हाथ दिन भर खेतों में कठिन श्रम करके तो फिर सुबह शाम घर में रसोई में बर्तनों में गूंज पैदा करती हैं, तो कभी बुखार से तप्त हुई माथाओं पर शीतल कोमल मरहम में तब्दील हो जाती है। और हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं इतनी कर्मठ है कि उनकी हथेलियों पे कोई मेहंदी नहीं सजते हैं बल्कि छाले और घुट्टे शोभा देती है। वो इतनी कर्मठ है अपने लिए वो कुछ नहीं मांगती है, सब कुछ करती है परिवार के लिए। और एक और बात है कि हमारे समाज में जो है बेटे को जिस तरह से प्रॉपर्टी राइट्स मिले हैं बेटियों को नहीं मिलती, उसके बावजूद भी मैंने आज तक हमारी अरुणाचली बहनों को अपने भाइयों से कभी मुकदमा लड़ते हुए नहीं देखा कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए।
तो इन सब चीजों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हमारी नारियों नारी सशक्तिकरण के लिए मुझे कुछ लिखना है। और मेरे अनुसार नारी सशक्तिकरण का यह अर्थ नहीं है कि नारी को सिर्फ शारीरिक तौर पर ही उन्हें सशक्त बनाए, उसका एक तरीका ये भी है कि लोगों की जो दृष्टि है, नारी को देखने की जो दृष्टि, उस नजरिया में एक सुखद, एक सकारात्मक बदलाव लाऊं। और उसी प्रयास में मैंने उपन्यास लिखे उस रात की सुबह। और इस उपन्यास में नायिका यापी जो है वो और कोई नहीं बल्कि समाज की जो नारी है, जो उनके रुदन क्रंदन, उनकी जिंदगी, उनके संघर्षमय जिंदगी के बारे में ही इसमें लिखा है। तो मेरी तरफ से ये प्रयास है कि इस उपन्यास के द्वारा मैं समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाऊं, हमारी स्त्रियों के प्रति लोगों के जो देखने का जो नज़रिया है उसमें एक सकारात्मक बदलाव लाऊं, लोग हमारी स्त्रियों की जो कुर्बानी है, उनकी कर्मठता है, उसे पहचाने। क्योंकि आप यहाँ अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में भी जितने भी स्त्रियाँ हैं, जितने भी दुकान हैं, जितने भी सब्जियाँ बेच रही हैं, वो सब स्त्रियाँ हैं। सिर्फ सब्जी बेचकर ही अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करते, वो लोग खेतों में काम करते हैं, जंगलों से खाद्यान्न जुटाते हैं और उसके बाद जो पैदावार है उसे मार्केट में बेचते हैं। और तो और हमारे यहाँ की स्त्रियाँ इतनी मजबूत हैं कि उन लोग मिथुन होता है जो गाय से भी बड़ी जानवर होते हैं, उसे भी काट कूट करके मीट बेचते हैं। औरतें जिस कुशलता पूर्वक ये काम करती हैं, मुझे देखकर बहुत गर्व महसूस होता है। और इनके पीछे कौन है, इनके सारा परिवार है। आप यकीन नहीं करेंगे कि सब्जियां बेचती हुई महिलाओं की बेटियां डॉक्टर बनी हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, UPSC कर रही हैं, APCS कर रही हैं। तो ये महिलाएं जो हमारे यहाँ बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही मुझे गर्व महसूस होता है हमारी महिलाओं को देख करके। इसलिए मुझे हमारी जो आदिवासी महिलाएं हैं, हमारे आदिवासी घरों में बेटे बेटियों में फ़र्क नहीं करते, क्योंकि बेटियों ने खुद ही साबित कर दी है कि वो किस काबिल है। औरतों ने खुद ही साबित कर दी है कि हम लोग किस मर्दों से कम नहीं हैं। तो हमारे अपने परिवार में भी मेरे पापा ने कभी बेटे बेटी में फ़र्क नहीं किया। तो मेरी तो लोगों से भी यही अपील है, हम अगर समाज में हम सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने घरों से ही हम लोग शुरुआत करें। अपने घरों में ही हम लोग बेटे बेटी में क्यों फ़र्क करें। बेटी को कहेंगे कि झाड़ू लगाओ, बेटे को कहेंगे कि अच्छा तुम घूमना चाहते हो, ये लो पैसे घूमने जाओ। इस तरह के हम लोगों की जो हम लोग अपना दृष्टिकोण बदले, अब समय आ गया है बेटे बेटी में फ़र्क बिल्कुल भी ना करें। और मैं क्या कहूँ कि दूसरी रचना मेरी जो कातम है, ये भी मैंने क्या देखा कि हमारे यहाँ बड़े लोग क्या कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, कि आजकल ज़माना बदल गया है, हमारे जो नवीन पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो पाश्चात्य रंग ढंग में, इतने रंग ढंग में रंग गए हैं कि उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, अपनी संस्कृति से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, अपने बारे में लोग नहीं जानते हैं। आज की नवीन पीढ़ी जड़ों से कट गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूं। उन बच्चों को मैंने जो बचपन में कहानियां सुनी थी अपनी दादी से, नानी से, मौसी से, मौसियों से, अपनी मम्मी से, तो उन कहानियों को ही मैंने इस लोक कथाओं जो मैंने बचपन में सुने थे, आबोतानी के, बोगुम होत्तुम जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े वीर माने जाते हैं, वीर पुरुष थे, उनके बारे में। तो ये कुल मिलाकर के कातम जो है अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की लोक कथाएं हैं। इसमें कुल मिलाकर के 20 कहानियां हैं, जिसमें जो 20 लोक कथाएं हैं, जिसमें मोपिन है, दे तम, रोसी तम, और तापो यक, निकम पुरभो, देगोगोक, दोनी मुंसी, लिंगो तापो, कोकोरेको, देवो कोम्बो, इस तरह से जितनी भी कहानियाँ हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, हमारी लोक कथाएँ हैं। तो मेरी ये प्रयास है कि इन लोक कथाओं के द्वारा मैं हमारे जो नवीन पीढ़ी है उन्हें अपनी संस्कृति के प्रति, अपने परंपरा के प्रति, उनके अंदर फिर से प्रेम जगाऊं, उन्हें खींच लाऊं, अपनी संस्कृति उनको
थोड़ी बहुत मेरी कहानियों से अगर उन्हें अपनी संस्कृति से रूबरू करा सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए यह कातम जो है मेरी प्रयास है, और कातम का अर्थ ही होता है राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। और इस मुख पृष्ठ पर जब इसकी बात आती है तो मैं बड़े गर्व के साथ बताती हूँ कि मुख पृष्ठ पर जो तस्वीर बनी है ये अम्मा की, हमारे यहाँ की, आप पता नहीं ट्राइब की, आप पता नहीं जनजातीय समाज से है यह अम्मा। तो इनकी तस्वीर जो है मेरे एक छात्र लेगांग अगस्त ने ही इसे पेंट किया है। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर उन्होंने बनाया है, उनकी पोर्ट्रेट। तो मैं आपके मंच के द्वारा अपने ही छात्र लेगांग अगस्त की मैं हार्दिक आपके मंच के द्वारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि, और कामना करती हूँ कि वो बहुत आगे जाएं। उनके हाथों में जो जादू है, जो कला है, हमारे आदिवासी जो छात्र है, आदिवासी युवक है, छोटा सा ही उम्र है उनकी, छोटी सी उम्र है, तो इस उम्र में भी वो इस तरह से बना रहे हैं। तो मेरी यह दिल ही कामना है कि वो बहुत आगे जाए, आसमान की बुलंदियों को छुए अपनी कला के द्वारा। और मेरी जो उपन्यास उस रात की सुबह की मुख पृष्ठ पर भी जो तस्वीर बनी हुई है, ये तस्वीर ये सब कुछ भया करती है हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनकी कर्मठता के बारे में। तो ये चित्र जो है मेरे सहकर्मी दुली रत सर ने बनाया है, मैं उनका भी हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये औरतें शाम को खेत से लौट रहे हैं, खेती से लौटते हुए ये अपनी जिम्मेदारी इनके देखिए वापस आ करके उन ये लोग अपने पीठ पर जो लादे हुए हैं टोकरी, उस टोकरी में लकड़ियाँ लाए हैं, इसी लकड़ियों से रात को फिर शाम को आग जलाएंगे, घर में उजाला करेंगे, उससे घर के रात का भोजन पकेगा, सुबह के भोजन भी पकेंगे। और दूसरी जो स्त्री है, पीठ पर उनकी लकड़ियाँ तो है ही, लकड़ियों का बोझ है, इसके बावजूद भी अपनी गोद में ये नन्हा सा शिशु ले करके ये क्या बता रही हैं कि हमारी अरुणाचली महिलाएँ जो है बखूबी अपनी जो जिम्मेदारियां तो निभाती है ही, और साथ ही अपनी आने वाली पीढ़ी की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। तो इस चित्र के लिए भी मैं अपने सहकर्मी दुली रत सर का हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी इतने सुंदर चित्र, जिस क्या कहूँ कि इसमें सब कुछ है, सब कुछ एक भरपूर मेरे उपन्यास के सब कुछ सार जो है इसी उपन्यास, इसी तस्वीर में है। तो मैं दुली रत सर की भी हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ आपके मंच के द्वारा। तो मैं आगे अपनी बात बढ़ाती हूँ। हमारे आदिवासी समाज में अब जो हमारी जो है अरुणाचल की हमारी अस्तित्व की पहचान की लड़ाई है। हम लोग यह अरुणाचल में बैठ करके हम लोग पूरी दुनिया को जानते हैं, पूरे भारत को जानते हैं। हम लोग भारत के किस कोने में कौन से राज्य हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि केंद्रीय शासित प्रदेशों में भी, दिल्ली में भी कई लोगों को पता नहीं कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। बड़े दुख की बात है, मुझे तो बहुत ही हैरत हुई थी 15 मई 2013 को जब मैंने टीवी में खबर देखा कि महाराष्ट्र के क्लास 10 के जो सिलेबस है वहाँ के पाठ्यक्रम से, वहाँ के पाठ्यक्रम के जो मानचित्र है मैप से, अरुणाचल प्रदेश वहाँ के मैप से गायब थी। ये खबर मेरे लिए बहुत दुखद भरा था। यहाँ हम लोग रोज जन गण मन गाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा कहते हैं, हिंदी बोलते हुए गर्व महसूस करते हैं, हम भी भारतीय हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में कितने लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं? हम आदिवासियों को कितने लोग जानते हैं, हम अरुणाचली को? ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात थी, क्योंकि हम लोग बचपन में मेरे पापा जो है सेना में कंपनी कमांडर थे, हम लोग भारत के कोने कोने घूमे हैं, कोने कोने भारत का हमने देखा है। और पापा जो है हमेशा हमसे कहते थे कि तुम कहीं भी जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, वहां के लोगों से मिलो, वहां से सीखो,
बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। कुछ सालों पहले मैं जब रांची गई, झारखंड की रांची, तो मैं वहाँ शिबू सोरेन जी से भी मिली, उनके घर भी मैं गई। आदिवासी नेता है वे, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों से मिल करके, आदिवासियों से मिल करके। तो मैं तो हमेशा, मेरे जो मन में है, मैं तो वसुदेव कुटुंबकम, सभी हम सभी एक ही परिवार के हैं, हम सभी आदिवासी एक ही हम मानते हैं। हम अरुणाचल में रहकर भी सबसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बाहर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े प्रदेशों में कई लोग हैं जिन्हें हमारे बारे में ही पता नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के लोग कैसे हैं। हम लोग जब वहाँ शहरों में जाते हैं तो लोग हमें विदेशी कहते हैं। ये दुख की बात है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। बचपन में तो पापा जो कहते आए कि सबसे मिलकर रहो, सबसे मिलो, मैं तो हमेशा प्रयास करती थी कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ की भाषा बोलूँ। आप अगर कहें तो मैं मराठी गीत भी गा सकती हूँ। बचपन में मैंने सीखा था, क्योंकि पापा कहते थे कि भाषा सीखो सीखो, तो मराठी भाषा अच्छी तरह से बोलने के लिए मुझे मुश्किल लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि वहाँ के गीत सीख लिए, और जब वहाँ के गीत सीख लिए, पापा बोलते थे मराठी बोलो, तो उस गीत को मैं डायलॉग की तरह उन्हें सुनाती थी, और वो समझते थे कि अब मैंने मराठी सीख ली, और वो बहुत खुश होते थे कि बेटी जो है जहाँ जाती है वहाँ की भाषा सीख के आती है। आप अगर कहे तो मैं एक मराठी गीत सुनाऊँ आपको। अच्छा, थोड़ा सा सुना देती हूँ। ये साने गुरुजी का लिखा हुआ गीत है। मेरी आवाज जो है सुंदर नहीं है, कर्णप्रिय नहीं है, फिर भी मैं सुनाना चाहूंगी। वैसे मेरे घर के लोगों का कहना है कि मेरे गाने में और रोने में बहुत फर्क है। मतलब गाने में और रोने में कोई फर्क ही नहीं है। अब आप हंसिएगा नहीं, क्योंकि मैं रोती भी बहुत सुरीली हूँ। अच्छा, मराठी गीत थोड़ा सा सुना देती हूँ। आता उठव सारे रान, आता पेटव सारे रान, आता उठव सारे रान, आता पेटव सारे रान, शेतकराचा राजा साथी, शेतकराचा राजा साथी, लाऊपणाला प्राण, लाऊपणाला प्राण, किसान मजूर उठतील, कंबर लढण्या कसतील, किसान मजूर उठतील, कंबर लढण्या कसतील, एक जुडीसी मशाल घेऊन पेटवतील हेरान, पेटवतील हेरान, आता उठव सारे रान, आता पेटव सारे रान, शेतकराचा राजा साथी, शेतकराचा राजा साथी, लाऊपणाला प्राण, कोण अम्मा अडवील, कोण अम्मा रडवील, कोण अम्मा अडवील, कोण अम्मा रडवील, तिरंगी झंडे घेती गाती स्वातंत्र्याचा गान, स्वातंत्र्याचा गान, आता उठव सारे रान, आता पेटव सारे रान, आता उठव सारे रान, आता पेटव सारे रान, शेतकऱ्याचा राजा साथी, लाऊपणाला प्राण। अब ये हुए मराठी गीत। अब मराठी गाया है तो मुझे मलयालम भी गाना पड़ेगा, है ना? मलयालम सुनाती हूँ। जन्मकारिणी भारतम कर्म मेदिनी भारतम
भारतम जन्मकारिणी भारतम कर्म मेदिनी भारतम तलैल मंजलि मामल चूड़िय तंग किरीडवुम उड़लिल सश श्यामल शाद्वल कोमल कंजुगयम कणुत्तिल नाना नदिगल चार्तिय पोन्नमि मालगयम काणुग जन्म भूविन कोमल मलमेनी जन्मकारिणी भारतम कर्म मेदिनी भारतम नाना भाषगल अमृतम पोलियम नावम पुंचुरियम नाना देशक कारुडे नाना वेशतिन्नलयम वीर पुरातन संस्कार तिम वेरोडुम मणियम पारिल शांति वरुत्त वृत्तम अम्मटनेतम जन्मकारिणी भारतम कर्म मेदिनी भारतम। अब सांप्रदायिक सद्भावना की बात हो तो जब मैंने मलयालम गा दिया, मराठी गा दिया, तो फिर अब रह गई गुजराती गीत। आप सुनना चाहेंगे? गुजराती सुनाती हूँ। ये गीत जो है नीनू मजुमदार द्वारा लिखे हुए गीत है, सुना रही हूँ। आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई न नथी कोनी भूमि कोनी नदी कोनी सागर धारा भेद केवल शब्द अमारा नितमारा आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई न थी मेघ धनु अंदर न होए कदी जंगो मेघ धनु अंदर न होए कदी जंगो सुंदरता काज बना विविध रंगो आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई न थी। केम छो मजा मछ। अब जब इतने सारे गीत गा दिए हैं तो मुझे अपने अरुणाचली गीत तो गाना ही पड़ेगा। उषा किरण आत्राम अम्मा जब कह रही है कि अरुणाचली गीत गाना है तो मैं एक गीत आपको सुनाती हूँ। यह गीत जो है इस गीत में हमारे अरुणाचल प्रदेश के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और इस गीत में हमारे यहाँ की विभिन्न जनजातियों के बारे में भी है। विभिन्न जनजातियों का नाम भी इसमें आते हैं और हमारे यहाँ की जो जितने जिले हैं उन जिलों का नाम भी है। और ये गीत जो है तागिन गीत है जो ताकियो सोखी जी ने गाया है। और तागिन हमारे यहाँ जो है दापोरी जो अपर सुबनसिरी इलाके में रहते हैं। ये बहुत ही सुंदर गीत है जो मैं सुनाना चाहूँगी, आप मेरी आवाज़ को बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा। आरुग कम जिग दो निग उका कोंग मुनुग अरुणाचल सीजग कम जिग दो निग उका चोको मुनुग अरुणाचल 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 आरग कम चिग दो निग हुका कोंग मुनुग अरुणाचल
कमिंग सियांग लोही तेरा सुबन सिरी उलू मलंगा के न, ये यहाँ के जिलों के नाम है। चांगलंग तवांग दीवांग बेली पापुम पारे उलू मलंगा के न, मोको सिम रगला कुजु इस साना मुनो नजर हिसी सिम दुगला कुजु गचाना मुनो या पा आन दोनी मुनम आया दो आतो त बोलो मुनम काया दो आरुग कमची ग दोनी ग हुका कोंग मुनो ग औरु नाच सीज ग कमची ग दोनी ग हुका चोको मुनो ग औरु नाच। इसके बाद जो अलग अलग जनजातियां हैं उनको उनका नाम आते हैं, जैसे कि तंगसा वंगचु नोक्ति इदु दिगारु खमती पादंग मिन्योंग तागिन गालो निसे अपा तानी मोमपा मेजी खुआ आका मेम्बा खम्बा बंगनी सुलुंग। इस तरह से हमारे यहाँ जितनी भी जनजातियां हैं उन सब जनजातियों को जो है इस गीत में उनका नाम दिया जाता है। तो ये गीत आप अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इसे आप YouTube पर भी आप इसको गीत को सुनिए, बहुत सुंदर गीत है और इसमें अरुणाचल प्रदेश के हर एक जिलों के बारे में है और हर एक जितने भी लोग हैं यहाँ के जनजाति है उसके बारे में है। तो अब समय हो चला है तो मैं थोड़ा सा आपको जब आपने कहा है कि समाज में सकारात्मकता पर मुझे बोलना है थोड़ा बहुत वो विषय भी आपने मुझे दिया है तो मैं इस पर बोलना चाहूँगी कि अब समय समाज में सकारात्मकता पर अगर मैं बोलूँ तो मुझे अभी हमारे यहाँ देश में क्या हो रहा है कि नस्ल भेद को लेकर के कि हमारे यहाँ से अरुणाचल से और पूर्वोत्तर भारत के जितने भी छात्र यहाँ से पढ़ने के लिए हम लोग जब बाहर जाते हैं हमारे जो बच्चे तो उनको वहाँ पर किस तरह की भेदभावना का आदिवासियों को सामना करना पड़ता है इसको लेकर के मैं बहुत ही चिंतित हूँ। हमारे यहाँ के बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो हम लोगों को हमारे यहाँ के लोगों को विदेशी समझते हैं और अब कोरोना काल में तो स्थिति और भी भयावह हो गई है। तो वहाँ हमारे यहाँ के जो हम लोगों के चेहरे बनावट कुछ इस तरह से थोड़ी सी हटके हैं, अलग हैं उन लोगों से, तो लोग सीधे सीधे कोरोना कोरोना पुकारते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर भारत से कोरोना नहीं निकला है, कोरोना जहाँ से भी निकला है वहाँ से फैलते हुए बड़े शहरों से होकर ही हमारे यहाँ छोटे शहर में पहुँचा है। तो मैं तो लोगों को कहना चाहूँगी कि हमारे पूर्वोत्तर भारतीयों को आप अलग नज़रिए से ना देखें, नस्ल भेद बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जो खबर मैं न्यूज़ में देखती थी 18 अप्रैल 2012 को रिचर्ड लोइथम जो मणिपुर से पढ़ने के लिए गए थे बेंगलोर में किस तरह नस्ल भेद की वजह से उनकी दर्दनाक मौत हुई और उसके बाद फिर मणिपुर के ही आका सालोनी 21 जुलाई 2014 को मुनिरका दिल्ली में नस्ल भेद की वजह से ही वहाँ के लोगों ने इन्हें जब देखा अलग है तो नस्ल भेद की वजह से इनकी भी जान चली गई। और हमारे अरुणाचल प्रदेश के विधायक का बेटा जो जनवरी 2012 की बात है लाजपत नगर नई दिल्ली में, उनका क्या कसूर था, वो दिखता अलग था, ये कोई अपराध तो नहीं है, तो उन्होंने अपने मित्र का जो रास्ते चलते लोगों से पता पूछा था तो कुछ लोगों को उनका जो बालों का रंगना और उनका अलग दिखना, हमारे पूर्वोत्तर भारतीय जो चेहरा है आदिवासी चेहरा अलग दिखना लोगों को रास न आई, उन्होंने मजाक उड़ाया और कुछ युवा लोगों ने जिनकी उम्र 20 और 20 से कम थे उन लोगों ने मिल करके उसकी इतनी पिटाई की, इतनी बेरहमी से उसे मारा कि खून से लथपथ अगले दिन उनकी मौत हो गई। तो कितनी दुखद बात है, आप सोचिए कि हमारे पूर्वोत्तर भारत से हम लोग, हमारी जो नवीन पीढ़ी है कुछ बनना चाहते हैं,
आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए जब बाहर जाते हैं तो अपने ही देश में हमें पराया समझते हैं। उन्हें मालूम नहीं अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, क्या है, वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, और हमारे जो नवीन पीढ़ी है, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, वहाँ बहनों को, वहाँ पे जिस तरह नस्ल भेद का सामना करना पड़ता है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। यहाँ से पढ़ने जाते हैं, माता पिता हंसी खुशी विदा करते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो उनकी खून से लथपथ लाश, ये बहुत दुखद बात है। तो नस्ल भेद बिल्कुल भी ना हो। हम लोग दिखते अलग ज़रूर है, लेकिन हम लोग भी भारत के ही अरुणाचल प्रदेश हैं, पूर्वोत्तर भारत से हैं हम लोग। हमारे यहाँ भी जनगण मन आप लोग जहाँ वहाँ गाते हैं उसी तरह से हमारे यहाँ भी गाते हैं। तो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश, हमारे पूर्वोत्तर भारतीय लोग, हमारे यहाँ के आदिवासी भी अलग नहीं हैं। अब सांप्रदायिक भावना, सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसको मैं कहूँगी, तो मैंने पहले भी कहा कि वासुदेव कुटुंबकम की हम लोग वासुदेव कुटुंबकम को हम लोग माने। जैसे कि मैंने कहा था, महोपनिषद में मैंने पढ़े हैं कि अहम बंधुरे नेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताना ते वसुदेव कुटुंबकम। हम लोग सभी एक ही परिवार से हैं, और दुनिया में जितने भी हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम लोग सब एक हैं। सिर्फ आदिवासी लोग ही नहीं, हम लोग सभी जितने भी इंसान हैं, हम लोग सब एक हैं, एक ही परिवार से हैं। अगर हम लोग ये सोचेंगे तो हम लोग आपसी प्रेम और सद्भावना बनाए रखेंगे। और युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगी आपके मंच के द्वारा कि ड्रग से दूर रहें, ड्रग का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आपको जो जन्म मिला है, तो आपके माता पिता को, आपको जिन्होंने जन्म दी है, आपको ले करके उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपको ले करके बहुत सारे सपने आपके माता पिता बुने हैं, तो उन सपनों को आप पूरा कीजिए, आपके अपने सपनों को भी पूरा कीजिए। हर किसी की ज़िंदगी में छोटी मोटी दुख दर्द अवसाद होते हैं, उससे उभर करके अपनी मंजिल को पाइए, बढ़िए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में उनकी लाठी बनिए, उनका सहारा बनिए। समाज को, अपने समाज को आगे ले चलने के लिए आप युवक लोग, आप युवा वर्ग ही समाज की शक्ति है, हमारे देश का भविष्य है। तो ड्रग आप बिल्कुल भी ना लें, इस जाल में, ड्रग के जाल में बिल्कुल भी ना फंसे। और दूसरी मैं कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स से, माता पिता से हमेशा प्रेम करें, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं वे कभी गलत राह पर नहीं चल सकते। तो आप सभी युवा वर्गों से भी मेरा कहना है, मेरी अपील है कि आप अपने माता पिता से, अपने परिवार से प्रेम करें। और तीसरी जो मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया का, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सही इस्तेमाल करें। इसके द्वारा हिंसा न फैलाएं, नफरत न फैलाएं, क्योंकि मैंने आप लोग भी खबरों में सुने, पढ़े होंगे, सुने होंगे कि 2018 को नीलोत्पल गोगोई और अभिजीत दास नाम के दो युवक, असम के दो युवक को कार्बी आंगलोंग में एक मैसेज की वजह से ही, कि किस तरह से किसी ने ये अफवाह फैलाया कि ये लोग बच्चे चुराते हैं, बच्चे उठाते हैं, तो उस अफवाह की वजह से वो मैसेज इस तरह से फैल गई लोगों में कि लोगों ने बहुत ही बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी। तो मॉब लिंचिंग जो हो रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू से ही, व्हाट्सएप के थ्रू से ही लोग एक दूसरे को मैसेज, जित बहुत तेज़ी से अफवाह फैलती है। इस तरह की अफवाह न फैलाएं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। और अंत में मैं बहुत ही मतलब चाहती हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े, समाज में लोगों का नज़रिया सकारात्मक हो, एकदम पॉजिटिविटी हो लोगों में, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें। इस पर खास करके युवाओं के लिए मैंने कविता लिखी, पहल नाम से कविता, और इस कविता को 2017 में जुलाई में दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग एक प्रदर्शनी कर रहे थे, एक रैली कर रहे थे, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो जिसमें मैं गई थी अपने अरुणाचल से प्रतिनिधि बन करके। हमारे यहाँ अपक्टा अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन है, ऑल अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, जिसमें मैं कन्वेनर हूँ। तो मैं अपने मेंबर्स के साथ, अपने प्रेसिडेंट और जीएस
और बाकी मेंबर्स के साथ वहाँ जंतर मंतर में हम लोग उस धरना में हम लोग भी बैठे थे, रैली निकाली थी हम लोग जंतर मंतर से लेकर के वहाँ पार्लियामेंट हाउस तक। तो वहाँ पर मैंने इस कविता को सुनाया था पहल नाम से। तो इस कविता को मैंने मेरे अंदर जो सकारात्मक विचार हैं, जो मैं समाज में चाहती हूँ उस सकारात्मक विचारों को फैलाना, तो उसको मैंने अपनी कविता के द्वारा वहाँ पे जंतर मंतर में मैंने इस कविता को सुनाया था। लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो चलते चलते मैं ये कविता आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगी जी। तो कविता कुछ इस तरह से है। हजारों होंगी मशाले पर जलती तो एक चिंगारी से है, हजारों होंगी मशाले पर जलती तो एक चिंगारी से है, मंजिलें होंगी कई हजार पर पहला कदम तो उठे सही, जरूरी नहीं कि हर कदम बुलंदियों के आसमां को चूमे, जरूरी नहीं कि हर कदम बुलंदियों के आसमां को चूमे, पर जरूरी है कि पहला कदम तो जरूर उठे। देर है तो बस एक चिंगारी को सुलगाने की, देर है तो बस एक चिंगारी को सुलगाने की, मन में नवीन आशाओं के दीप जलाने की, फिर देखो अंधेरा कैसे नहीं छटेंगे, फिर देखो अंधेरा कैसे नहीं छटेंगे, सकारात्मक बदलाव कैसे नहीं आएंगे। ओह, तो फैसला हो रहा है कि चिंगारी कौन सुलगाए, तो फैसला हो रहा है कि चिंगारी कौन सुलगाए, इस उधेड़ बुन में हो कि पहला कदम कौन उठाए, पर पहल तो किसी को करना ही होगा, एक सकारात्मक बदलाव लाना ही होगा, पर पहल तो किसी को करना ही होगा, आपको या हमको पहल तो किसी को करना ही होगा, एक सकारात्मक बदलाव लाना ही होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि हम लोग जितने भी आदिवासी हैं, हम लोग अपनी पहचान की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हमें अपनी पहचान मिले, हम लोगों को अपनी पहचान मिले, हम लोग जब कहीं बाहर जाए तो हमें भी लोग पहचाने कि हम लोग भी भारत का ही एक अभिन्न अंग है, हम आदिवासी लोग भी भारत का एक अभिन्न अंग है, हम लोग भी, हम सब एक हैं, ये भावना सबके मन में हो, वसुधैव कुटुंबकम हो, नस्ल भेद बिल्कुल भी ना हो, किसी को उसके नस्ल को लेकर के किसी पर कोई जुल्म न ढाए, कोई ताना कोई उस पर गालियां ना दे, हमारे लोगों को कोरोना कह कर ना पुकारे। तो क्या कहूँगी कि बहुत कुछ कह गई मैं कहते कहते, शायद मैंने जो कुछ भी कहा उससे आप लोग सहमत होंगे भी या नहीं, और सहमत नहीं है तो भी बुरा ना मानिएगा, मुझे जो मंच मिला इस मंच में मैंने अपने विचारों को प्रकट किया, और जो लोग सहमति जता रहे हैं उनका भी मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। सेवा जोहार दोनी पोलो आया लंका नो नमो कुम्र तंगना। और मैंने जितने भी कुछ कहे, मेरे मन में जो दर्द है आपके सामने मैंने उकेरी, उस दर्द को भी आप लोग मेरी जगह होकर समझ लीजिएगा कि मैंने किसी की, मतलब किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा है, अगर मेरे मुंह से निकल गए हैं तो आपको बुरा लगा तो भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरा तो काम था अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत करना, आपने जब मंच दिया है इतनी बड़ी मंच, तो मैं अपने सारे दुखड़ा हो जो हो सब कुछ मैं ले करके आपके सामने अपने दुखों का पुलिंदा भी मैंने खोल दिया। तो मैंने जितने भी बातें कही उनसे अगर मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी, किसी को ठेस पहुँची हो तो बुरा न मानिएगा, क्योंकि हमारे जो दर्द है हम अपनों के बीच नहीं सुनाएंगे तो और कहाँ सुनाएंगे, आप हम आदिवासी हम लोगों का दर्द लगभग एक ही है, हम लोग सब एक ही तो है, तो मैंने अपना दर्द हमारे अपनों के बीच आपके बीच आपको सुनाया, आपको उसमें किस ठेस पहुंची हो तो भी मैं दोहराना चाहूँगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, और आप लोग सहमत हो मैंने जो भी कहा तो उससे भी मैं आप लोगों का हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ, और इतनी तन्मयता से मुझे सुनने के लिए, इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत दिनों बाद बहुत खुल करके बोल पाई हूँ। तो आप लोगों का जो इतना प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहे, ईश्वर से मेरी यही आराधना है, यही मेरी ईश्वर से मेरी
मनोकामना मैं ईश्वर से मांग रही हूँ कि यह प्रेम मुझ पे सदा आप लोग बरकरार रखें। और मुझे पता है मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं, वो भी वहाँ से देख रहे हैं, और आप लोग इस तरह से अपने मंच में मुझे इस तरह से प्रस्तुत करके मुझे जो मान दिया, जो सम्मान दिया, उसका मेरे पिताजी भी आपको वहाँ से आपको हार्दिक शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन के। अति खुश हूँ, सेवा यह सेवा जोहार नन्मलिंगमृत दगना दोनी पोलो आया लंका। इस तरह से मुझ पर अपना प्यार बरसाते रहे, अपनी कृपा दृष्टि रखें और संपर्क बनाए रखें। कार्यक्रम खत्म हुआ उसका मतलब ये नहीं कि हमारा संपर्क टूट गया, हम लोग संपर्क में बने रहेंगे। और फेसबुक में इनबॉक्स मैसेजेस जो है मैं बहुत ही कम देखती हूँ, आप लोग बुरा ना मानिएगा अगर मैंने कईयों के मैसेज नहीं देखे, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम होते हैं, आपको तो पता है ही, कईयों को जो साहित्य लाइव देख चुके हैं। तो कई कामों से मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और थोड़ी बहुत समाज के काम में भी लग जाती हूँ, तो मेरे पास अपने लिए भी बहुत कम समय होता है। तो ऐसे में मुझे देखना पड़ता है कि इधर उधर के काम, और साथ में मैं अपने जो मैं देरा नातुंग शासकीय महाविद्यालय में यहाँ कॉलेज में पढ़ाती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो पढ़ाने का काम भी मैं करती हूँ, जारी रखती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एकदम अनुशासित मैं रहूँगी तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे अनुशासित रहेंगे। मैं अपनी क्लास छोड़ करके इधर उधर लग जाऊँ तो मेरे बच्चों का भविष्य खराब होगा, और कल को यही बच्चे हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे देश की जो शक्ति है, हमारे राज्य की, हमारे समाज की शक्ति हमारी युवा पीढ़ी ही है, तो युवा पीढ़ियों को उनके शिक्षण में उन्हें सही राह दिखाऊं, ये हमेशा मेरी प्रयास रहती है। तो इन सब कामों को निपटाते हुए, ये सब कामों के बीच मुझे बहुत कम समय मिलता है इनबॉक्स मैसेज देखने की, तो किसी किसी के मैसेज मैंने बहुत कम देखे हैं या जवाब नहीं दिया है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। और अभी भी जितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं मैं बहुत ही खुश हूँ, और फुर्सत से बैठ करके किसी दिन आपके सारे कमेंट्स का मैं जवाब दूंगी। और फिलहाल अभी मैं कमेंट्स पे ध्यान दूंगी तो फिर मेरे जो बोलने का तारतम्य है वो टूट जाएंगे, इसीलिए मैंने आपका काफ़ी समय लिया, माफ़ी चाहूँगी। और आप लोगों ने मुझे इतनी तन्मयता से सुने, उसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे। आप सभी को पाया लिंचो, सेवा जोहार, जोहार सेवा जोहार, पाया लिंचो, दोनी पोलो आया लंका। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इस कोरोना काल की समाप्ति के बाद, जब स्थिति संभल जाएंगे तो आप अपने कार्यक्रम की सूचना मुझे दीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं इस तरह के कार्यक्रम में, अगर अभी भी कोरोना काल नहीं होते तो मैं कहीं सेमिनार वगैरह में ही ये समय बिता रही होती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोरोना काल गुजर जाने के बाद स्थिति जब संभल जाएंगी तो आप सबसे मैं मिलने के लिए, आपके कार्यक्रम में शरीक होने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी कि हमारा कार्यक्रम खत्म होने पर भी हमारा संपर्क नहीं टूटना चाहिए, हम लोग आप लोग बने रहेंगे। जोहार सेवा जोहार नरुम नरुमृग दागना ओक दोनी पोलो आया लंका। Sare la re re la re la, nik jo.